नमस्कार, मैं अश्विनी वानखेड़े, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। मुर्गियों के मल का होता है उपयोग, आप कमा सकते हैं बढ़िया मुनाफा। भुवनेश्वर में होगा किसान मेला, कृषि जागरण मीडिया पार्टनर के तौर पर निभाएगा भूमिका। पीएम मोदी ने कृषि और सहकारिता विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को किया संबोधित। 512 किलोग्राम प्याज बेचने के लिए किया 70 किलोमीटर का सफर, मिले सिर्फ 2 रुपए, रोने को बेबस किसान। ब्रिटेन की सरकार ने सुनाया अजीब फरमान, एक व्यक्ति 2 टमाटर और 3 आलू ही खरीद पाएगा। अब इंसान की नहीं होगी जरूरत, ड्रोन खुद करेगा खेती, कंपनी ने बनाया प्लान। देश की मंडी में सस्ते हो गए सभी खाद्य तेल, रेट जानकर हो जाएंगे हैरान। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए आवंटित किए 463 करोड़ रुपए। नई योजना के तहत राजस्थान सरकार मुफ्त में दे रही सिरोही नस्ल के बकरे। बीजेपी द्वारा 24 फरवरी को मनाया गया नमो किसान सम्मान दिवस। कंफर्म हुआ होली से पहले आएगी पीएम किसान की तेल की किस्त। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ेगी गर्मी, 33 डिग्री तक पहुंचा पारा। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। मुर्गी की बीट से बनी खाद सस्ती होने के साथ ही फसलों के लिए गुणकारी भी है और ये पूरी तरह से जैविक होती है, इससे पैदावार भी बढ़ जाती है। मुर्गी पालन कर आप चिकन और अंडे से अच्छी कमाई तो कर ही सकते हैं, साथ ही उसकी बीट से भी कमाई कर सकते हैं। आमतौर पर जानकारी ना होने की वजह से मुर्गी पालने वाले किसान मुर्गियों की बीट को ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन किसान ऐसा कतई ना करें। बीट से कमाई तो होती है, साथ ही उसके उपयोग से फसलों की पैदावार भी बढ़ जाती है। इससे पहले मुर्गों की बीट से बायोगैस बनाने का भी खबरें सामने आ रही थी। उत्तर प्रदेश में भी बायोगैस और मुर्गी की बीट से बनी खाद पर रिसर्च हो रहा है। खेती में इस खाद के उपयोग के बाद किसी अन्य खाद या उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ती है और इसकी खाद से फसलों का विकास काफी सही तरीके से होता है। भारत का दूसरा सबसे पुराना कृषि संस्थान ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय 2 दिवसीय किसान मेला 2023 का आयोजन करने जा रहा है। इस मेले का आयोजन 27 और 18 फरवरी को भुवनेश्वर में किया जाएगा। 27 और 18 फरवरी को भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में कृषि उद्यमी, एफपीओ, आईसीएआर संस्थान, बीज एजेंसियों और बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। मीडिया पार्टनर होने के नाते कृषि जागरण अपने पाठकों को किसान मेला 2023 की खबरों से अपडेट कराता रहेगा। आपको यह बता दें कि प्रवर्तक कुमार राहुल ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के कुलपति, जो कि बीते 19 सालों से इस संस्थान में कार्यरत है। हाल ही में ओडिशा में आयोजित उत्कल कृषि मेले का उद्घाटन OUAT के कुलपति प्रवत कुमार राव द्वारा ही किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और सहकारिता पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित होने वाली पहलों के कारगर क्रियान्वयन के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित करने के क्रम में सरकार द्वारा आयोजित 12 बजट उपरांत वेबिनारों में से ये दूसरा वेबिनार है। प्रदर्शकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के बजट में कृषि सेक्टर को दिए जाने वाली महत्व के साथ पिछले 8-9 सालों में बजट के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि कृषि बजट, जो कि 2014 में 25,000 करोड़ से कम था, वे आज बढ़कर 1,25,000 करोड़ से भी अधिक हो गया है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में हर बजट को गांव, गरीब और किसान के लिए बजट कहा जाता है। सोलापुर के बोरगांव बारिश गांव के किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान ने 17 फरवरी को 500 किलो प्याज मंडी में बेची थी और गाड़ी भाड़ा, तुलाई और मजदूरी का पैसा काटने के बाद उन्हें मात्र 2 रुपए मिले। इसके साथ उन्हें जो चेक मिला है उस पर तारीख भी 8 मार्च 2023 लिखी हुई है। अब प्रदेश भर में जहां प्याज के दाम गिर रहे हैं, वहीं सोलापुर में भी एक किसान इसके चपेट में आ गया है। किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान को दिन रात की मेहनत से उगाई गई 512 किलो प्याज के बदले उन्हें महज 2 रुपए का चेक मिला। दरअसल सोलापुर जिले के बर्शी तालुका के ग्राम बोरगांव के किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान ने अपने 2 एकड़ खेत में प्याज की फसल लगाई थी। राजेंद्र चौहान ने अपना कर्ज चुकाने के इरादे से प्याज के 10 बैग मंडी बेचने के लिए भेजे। 17 फरवरी 2023 को सोलापुर से सूर्य ट्रेडर्स प्याज को बेचे गए। प्याज के 10 बोरों का वजन 512 किलो था, लेकिन दाम गिरने से किसान को सिर्फ 1 रुपए प्रति किलो का भाव मिला। हम माली तुलाई के साथ वाहन का भाड़ा काटने के बाद 2 रुपए ही किसान को मिले, जिसे देखकर किसान रोने को मजबूर हो गया है।
ब्रिटेन के सबसे बड़े सुपरमार्केट एल्डी मॉलसिन, अस्दा और टेस्को ने सब्जियों की खरीद की लिमिट तय कर दी है। किसी भी व्यक्ति को यदि इन मार्केट्स में जाकर सब्जी खरीदनी हो तो उन्हें तय लिमिट के भीतर ही सब्जी खरीदनी होगी। यदि कोई व्यक्ति तय लिमिट के बाहर सब्जी खरीदने की कोशिश करेगा तो उसे साफ मना कर दिया जाएगा। सुपरमार्केट में लोग आलू, टमाटर, खीरा, प्याज, शिमला मिर्च, भिंडी, मिर्च समेत अन्य सब्जी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार सुपरमार्केट की ओर से एक अजीबोगरीब गाइडलाइंस तय की गई है। दरअसल कोई कस्टमर इन मार्केट में पहुंचकर 2 से 3 टमाटर खरीद सकेगा। यदि कोई व्यक्ति 1 या 2 किलो आलू, टमाटर या अन्य सब्जी की मांग करता है तो उसे साफ मना कर दिया जाएगा। ब्रिटेन में यह हालत आर्थिक मंदी की वजह से ही बने हुए हैं। सब्जियों की उपलब्धता प्रत्येक व्यक्ति को हो, इसको लेकर सुपरमार्केट्स की और पूरे ब्रिटेन में खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई है। कृषि ड्रोन बनाने वाले आयोटिक वर्ल्ड एविगेशन ने कृषि क्षेत्र में मानव रहित हवाई वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ के साथ समझौता किया है। कंपनी ने शुक्रवार को बयान में कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ड्रोन प्रौद्योगिकी में अनुसंधान संस्थान को आगे बढ़ाने के अलावा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करना है। समझौता ज्ञापन पर VNMKV के कुलपति डॉ. इंद्रमणि, जबकि स्टार्टअप IoT टेक वर्ल्ड एविगेशन की ओर से कंपनी के सह संस्थापक एवं निदेशक अनुप कुमार उपाध्याय के हस्ताक्षर किए। पिछले महीने वर्ष 2017 में बने कृषि स्टार्टअप आयोटेक वर्ल्ड ने महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी महाराष्ट्र के साथ इसी तरह का साझेदारी की थी। दिल्ली तेल तिलहन बाजार में ज्यादातर तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बंद हो गए हैं, जबकि सरसों तेल तिलहन और बिनोला तेल कीमतों में गिरावट रही। बाजारी सूत्रों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज में 0.7% की गिरावट रही है, जबकि शिकागो एक्सचेंज कल रात हानि के साथ बंद होने के बाद फिलहाल सामान्य है। सूत्रों ने कहा कि पिछले साल देश में करीब 1 फरवरी 2022 को पाइपलाइन में खाद्य तेलों का स्टॉक 18 लाख टन था, जबकि 1 फरवरी 2023 में पाइपलाइन में स्टॉक लगभग 34.5 लाख टन हो गया है। देशी खाद्य तेल से 20 से 25 रुपए लीटर सस्ता होने के कारण व्यापारी दबकर शुल्क मुक्त आयात वाले सूरजमुखी तेल का आयात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रौद्योगिक संचालित और समावेशी कृषि विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों और शिक्षित युवाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य से अगले 5 कृषि उत्पादन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए अभिनव विस्तार दृष्टिकोण परियोजना के तहत 2000 किसान खिदमत घर का निर्माण होगा, जो किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में विस्तार प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें संरचनात्मक जटिलता और कार्यात्मकता विविधता को शामिल करना है। बकरी पालन में जहां लागत कम आती है, वहीं इससे पशुपालक अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसीलिए बकरी पालन पशुपालन क्षेत्र में रोजगार का एक अच्छा जरिया है। बकरी पालन के महत्व को देखते हुए सरकार द्वारा इसके विकास के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, और इन योजनाओं के तहत इच्छुक व्यक्तियों को बकरी पालन के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। और इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा उच्च नस्लीय पशुधन उत्पादकता के जरिए पशुपालकों के लिए आय एवं रोजगार के संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत सिरोही नस्ल की बकरी निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. प्रवीण सेन ने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत सिरोही नस्ल बकरी विकास परियोजना के तहत बकरी पालकों को अब तक 124 सिरोही नस्ल के बकरे निःशुल्क वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मानपुरा, माचेड़ी, चाकुस में निःशुल्क बकरा वितरण के लिए शिविर लगाकर पशुपालकों को उच्च नस्लीय बकरों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा नमो किसान सम्मान दिवस मनाया गया। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मनोज यादव ने बताया कि बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राजकुमार चाहर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे होने पर 24 फरवरी को मोर्चा नमो किसान सम्मान दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में 24 फरवरी को की थी, और इस योजना के माध्यम से देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए की 3 किस्तों में कुल मिलाकर हर साल सीधे 6,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर को पीएम किसान की 12वीं किस्त जारी की थी, और इसके लिए केंद्र सरकार को 16,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। वहीं 8 करोड़ किसानों ने 12वीं किस्त का लाभ उठाया था। हालांकि इस दौरान लाखों आपात किसानों ने भी फर्जी तरीके से योजना का फायदा उठाया है। अब आपको बता दें कि अब किसान 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार होली तक पीएम किसान की 13वीं किस्त जारी कर सकती है, और इस योजना का फायदा उठाने के लिए अब किसानों को ई केवाईसी अपडेट करवाना होगा, नहीं तो उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा।
आपको बता दें कि पीएम किसान उन सीएसएस योजनाओं में से एक है जो देश के सभी भूधारी किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है। ये योजना किसानों और कृषि से संबंधित अनुदानों के साथ साथ घरेलू आवश्यकताओं के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को बढ़ाने में काफी मदद करती है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर गर्मी बढ़ने वाली है। राजधानी में इस हफ्ते कोहरा और हल्की ठंड के बाद तापमान में बढ़त देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी कि 25 फरवरी को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। वहीं एक बार फिर प्रदूषण में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि इस बार फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखी गई। 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ 20 फरवरी को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस को छू गया था। हालांकि इसके बाद से तापमान में गिरावट देखी गई है, लेकिन आज से फिर इजाफा होने के आसार है। और वहीं आज 25 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के आसार जताए जा रहे हैं, जिससे तापमान में बढ़त देखने को मिलेगी। ये पश्चिमी विक्षोभ 27 फरवरी तक एक्टिव रहेगा। इसके बाद 28 फरवरी से एक और ताजा पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसका असर पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों पर 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच दिखाई देगा। ऐसे ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।